हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स, मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश वीकली करंट अफेयर यानी मध्य प्रदेश साप्ताहिक करंट अफेयर के बारे में, जिसमें हम चर्चा करेंगे 16 अगस्त से 30 अगस्त के बीच 2021 में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए उनके बारे में। दोस्तों ये वीडियो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एग्जाम एमपी का हो, स्टेट का हो, किसी भी स्टेट का हो, राज्य का हो, देश का हो, एसएससी का हो, बैंक का हो। दोस्तों आपके सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है करंट अफेयर का, जिसमें मैंने शॉर्ट में कम से कम 40 से ज्यादा क्वेश्चन लिए हैं जो आपके सभी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। वीडियो को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बनाया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों मैं अकेला वीडियो को बनाता हूँ, आप मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए ताकि मैं आप तक डेली कॉन्टेंट लेकर आता रहूँ करंट अफेयर का। इसके अलावा मध्य प्रदेश से जो भी रिलेटेड इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आपके साथ शेयर जरूर करता हूं, तो दोस्तों आप मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए। चलते हैं बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। हाल ही में छत्तीसगढ़ में कुल कितने नए जिले बनाए गए हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा कुल 4 नए जिले छत्तीसगढ़ में हाल ही में बनाए गए हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा 4। अब ये 4 कौन कौन से जिले हैं तो आपको बता दें, मोहला मानपुर एक जिला, सक्ती दूसरा जिला, सारंग भिलाईगढ़ तीसरा जिला और मनेंद्रगढ़ ये चौथा जिला है। ये 4 जिले छत्तीसगढ़ में बनाए गए हैं, कुल 18 तहसीलें इनमें बनेंगी, यानी इन 4 जिलों के अंदर 18 तहसीलें होंगी। और अब वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या हो गई है वह 32 हो गई, यानी 32 कुल जिले हैं छत्तीसगढ़ में। बात आई है छत्तीसगढ़ की, तो चलिए आपको मैप में इसके बारे में बताते हैं। मैप में ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को की गई थी, राजधानी नया रायपुर है, राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं जो कांग्रेस से हैं, राज्यसभा की 5 और लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। यहाँ का जो गीत है यानी राजकीय गीत है आरपा पैरी के धरो, ये गीत है। जो स्तनपाई है जंगली जल भैंस है। यहाँ का जो राजकीय पक्षी है वह पहाड़ी मैना है। और अगर बात करें वृक्ष की तो शोरिया रोबस्टा यहाँ का राजकीय वृक्ष है। तो इतना आपको इंग्लिश में पढ़ना है, जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं उन्हें इंग्लिश में दिया गया है तो यही चीज़ इंग्लिश में दी गई है। तो इतना आपको छत्तीसगढ़ के बारे में याद जरूर रखना है, एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टू चाइल्ड पॉलिसी लाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो इसका सही ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश टू चाइल्ड पॉलिसी लाने वाला पहला राज्य बना है। आपको बता दें दोस्तों यह पॉलिसी मध्य प्रदेश में पहले से लागू थी, लेकिन ये जो जिस तरीके से ये पॉलिसी लाए हैं ऐसी पॉलिसी लाने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। बात आई उत्तर प्रदेश की, तो चलिए आपको मैप में उत्तर प्रदेश के बारे में बताते हैं। ये मैप में आप देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश की लोकेशन है। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 में की गई थी, राजधानी लखनऊ है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, राज्यसभा की 31 और लोकसभा की 80 सीटें हैं। दोस्तों आपको बता दें उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सबसे ज्यादा 31 पूरे भारत भर में और लोकसभा की भी 80 पूरे भारत में सबसे अधिक सीटें हैं। स्तनपाई की अगर बात की जाए तो बारहसिंगा राजकीय उत्तर प्रदेश का राजकीय स्तनपाई है, पक्षी सारस क्रेन है, फूल यहाँ का पलास है और राजकीय वृक्ष की बात की जाए तो अशोक सीता यहाँ का राजकीय वृक्ष है। तो इतना आपको उत्तर प्रदेश के बारे में जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में बिरसा मुंडा जयंती पर अवकाश स्वीकृत किया गया है, तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बिरसा मुंडा जयंती पर अवकाश हाल ही में स्वीकृत किया गया है। ये बिरसा मुंडा जयंती 15 नवंबर को मनाई जाती है। जो बिरसा मुंडा थे उनका जन्म 1875 में झारखंड में हुआ था। ये एक जनजाति से संबंध रखते थे जो थी मुंडा जनजाति, और इन्हीं के नाम पर अब मध्य प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा, जो आपको बता दें 15 नवंबर को मनाया जाएगा। तो ये सभी इंपोर्टेंट फैक्ट आपको मध्य प्रदेश के बारे में याद रखने हैं और बिरसा मुंडा के बारे में याद रखने हैं। बात आई है एमपी की, तो चलिए आपको मैप में इसकी लोकेशन के बारे में बताते हैं। इसकी लोकेशन आप ये देख पा रहे होंगे एमपी है। एमपी का जो गठन है 1 नवंबर 1956 को, राजधानी भोपाल है, राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई पटेल हैं, जो मुख्यमंत्री वह शिवराज सिंह चौहान जो भाजपा से हैं, विधानसभा की 230 और राज्यसभा की 11, लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। अगर बात करें पुरस्कार की तो कालिदास शिखर सम्मान, तानसेन, लता मंगेशकर, शरद जोशी और कुमार गंधर्व ये पुरस्कार दिए जाते हैं मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ कान्हा केसली, माधव पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, बन बिहार ये प्रमुख उद्यान हैं
मध्य प्रदेश के जलप्रपात में चचाई, बहुटी, धुआंधार, कपिलधारा और दुग्धधारा ये प्रमुख जलप्रपात हैं मध्य प्रदेश के। वहीं अगर बांध की बात की जाए तो बरगी, राजघाट, बाणसागर, तवा, गांधी सागर और बारना ये प्रमुख मध्य प्रदेश के बांध हैं। अगर बात करें इस राजघाट बांध की तो ये उत्तर प्रदेश के साथ सहयोग में बनाया गया है बेतवा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिद्दीन यासीन हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों मोहिद्दीन यासीन हाल ही में मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो इसका सही ऑप्शन है मलेशिया। आपको बता दें मलेशिया के ये 8वें पीएम होंगे। 2021-2021 तक 17 मंथ तक ये पीएम रहे थे और अब ये फिर से मोहिद्दीन यासीन मलेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं, तो इतना आपको मलेशिया के बारे में याद जरूर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में दलित बंधु योजना शुरू की गई है? तो तेलंगाना में हाल ही में दलित बंधु योजना शुरू की गई है, तो इसका सही ऑप्शन होगा तेलंगाना। 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता गाँव गाँव हेतु पहुंचाने ये दलित बंधु योजना शुरू की गई है तेलंगाना में। दोस्तों बात आई है तेलंगाना की, तो आपको बता दें ये मध्य भारत के मैप में तेलंगाना की लोकेशन है। तेलंगाना का जो गान है वह है जया जया वे तेलंगाना जननी जय कृष्णम, ये गाना है तेलंगाना का। बात करें गठन की, 2 जून 2014 को गठन किया गया था तेलंगाना का। राजधानी हैदराबाद है, राज्यपाल यहाँ की तिमिलिसाई सुंदरराजन है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री वह के चंद्रशेखर राव हैं। पक्षी यहाँ का भारतीय रूलर है। राजकीय फूल की बात करें तो सेना अरली कलता ये यहाँ का राजकीय फूल है। वहीं अगर बात की जाए वृक्ष की तो प्रोसोपिस सिनारिया ये तेलंगाना का राजकीय वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला और देश का दूसरा सीमन स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा भोपाल। दोस्तों प्रदेश का पहला और देश का दूसरा सीमन स्टेशन भोपाल में शुरू किया गया है, जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा भोपाल। 14 करोड़ रुपए लागत आई है इसको बनाने में। 1 साल में 3 लाख सीमन स्टॉक की तैयारी करेगा। दोस्तों जो पहला सीमन स्टेशन है वह ऋषिकेश में लगाया गया था। ऋषिकेश आपको पता हो उत्तराखंड में है और अब ये दूसरा जो सीमन स्टेशन है वह हमारे भोपाल में लगाया गया है देश में। दोस्तों बात आई है भोपाल की, तो आपको लोकेशन के बारे में देख पा रहे होंगे भोपाल, ये ब्रॉड लोकेशन होगी भोपाल की। भोपाल के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में अगर हम चर्चा करें तो मध्य प्रदेश का झीलों का और पहाड़ों पर बसा शहर है। सर्वाधिक जनघनत्व तो आपदा प्रबंधन संस्थान वन विहार नेशनल पार्क भोपाल में ही है। 1960 में ब्रिटेन की सहायता से हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की स्थापना की गई थी भोपाल में। भारत का प्रथम मॉडल ब्लड बैंक बनाया गया है भोपाल में। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भी भोपाल में लगाया गया है। चार्ल्स कोरिया द्वारा भारत भवन का निर्माण किया गया है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल यहीं पर बनाई गई है। और प्रदेश का पहला एनर्जी पार्क इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय 1985 में भोपाल में ही स्थापित किया गया था। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हुए भोपाल के बारे में, आपको याद रखने हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पक्का पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं? तो दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार प्रदान किए हैं पीयूष गोयल ने। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पीयूष गोयल। आपको बता दें पीयूष गोयल वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। पिछले 7 वर्षों में पेटेंट प्रदान करने में 572% की वृद्धि आई है और इसी के उपलक्ष्य में जो पुरस्कार है वह राष्ट्रीय बौद्ध संपदा पुरस्कार हमारे जो पीयूष गोयल उद्योग और वाणिज्य मंत्री हैं इनके द्वारा प्रदान किए गए हैं। किस राज्य में हॉकी टीम की स्पॉन्सरशिप बढ़ाई है? तो इसका सही ऑप्शन है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य ने हॉकी टीम की स्पॉन्सरशिप हाल ही में बढ़ाई है। दोस्तों आपको पता होगा कि जो यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक, इन्होंने 10 वर्षों हेतु हॉकी टीम की जो स्पॉन्सरशिप है वह बढ़ा दी है। आपको बता दें विश्व कप जो हॉकी विश्व कप का आयोजन है वह उड़ीसा में ही 2018 में किया गया था। दोस्तों बात आई है ओडिशा की, तो आप ये मैप में देख पा रहे होंगे ये लोकेशन है ओडिशा की। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में की गई थी। राजधानी भुवनेश्वर है, गवर्नर यहाँ पर गणेशी लाल हैं, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। राज्यसभा की 10, लोकसभा की 21 और सीटें हैं ओडिशा में। अगर बात करी जाए राजकीय नृत्य की तो ओडिसी यहाँ का राजकीय नृत्य है। वंदे उत्कल जननी यहाँ का राजकीय गीत है। अगर मैमल की बात करें तो सांभर यहाँ का मैमल है। पक्षी भारतीय रूलर उड़ीसा का राजकीय पक्षी है। मछली में महानदी महाशीर
नाम की मछली महानदी में पाई जाती है, यह उड़ीसा की राजकीय मछली है। वहीं अगर उड़ीसा के राजकीय वृक्ष की बात करें तो पवित्र अंजीर यहाँ का राजकीय वृक्ष है और पखाला यहाँ का राजकीय भोजन है। तो इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखने हैं, ये इंग्लिश में दिए गए हैं, आप यहाँ से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का कौन सा संस्करण का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का 5वां संस्करण का आयोजन किया गया है, जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, 5वां। आपको बता दें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों हाल ही में एन के सह को भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दें 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी एन के सह रह चुके हैं। बात आई है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी की, तो इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। दोस्तों इनकी जो स्थापना है आरवी राव के द्वारा की गई थी। वर्तमान में इसके जो निर्देशक या अध्यक्ष हैं वह अजीत मिश्रा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ युद्ध अभ्यास किया है? तो दोस्तों हाल ही में भारत ने वियतनाम के साथ युद्ध अभ्यास दक्षिणी चीन सागर में किया है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वियतनाम। दोस्तों वियतनाम के जो प्रेसिडेंट है वह गुएन जुआन फुकू है, कैपिटल यहाँ की हनोई है और वियतनाम की जो करेंसी है वह वियतनामी डोंग है। तो इतना आपको इस युद्ध अभ्यास के बारे में और वियतनाम के बारे में याद रखना है। दोस्तों इस युद्ध अभ्यास का नाम अभी नहीं दिया गया है, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ देश का नाम लिया है, वियतनाम के साथ भारत ने युद्ध अभ्यास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलुरु मेट्रो नेटवर्क के लिए $500 मिलियन का लोन किस बैंक से लिया गया है? तो दोस्तों बेंगलुरु मेट्रो नेटवर्क के लिए भारत ने एडीबी बैंक से लोन लिया है। दोस्तों एडीबी का फुल फॉर्म आपको बता दें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। यहां से बेंगलुरु मेट्रो नेटवर्क के लिए $500 मिलियन का ऋण लिया गया है। अब ये एडीबी की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बता दें 1966 में एडीबी की स्थापना हुई थी। यहाँ के जो प्रेसिडेंट्स हैं मसात्सुगु असाकावा एडीबी के प्रेसिडेंट हैं। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है और कुल 68 कंट्री एशिया की इसकी मेंबर हैं। तो आपको इतना एडीबी बैंक के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड हाल ही में किसे दिया गया है? तो ये अवार्ड पंकज त्रिपाठी को दिया गया है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पंकज त्रिपाठी। डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड ये IFFM यानी इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न के द्वारा दिया जाता है। दोस्तों इसमें यानी जो जो IFFM है इसमें बेस्ट फिल्म चुनी गई है लूडो, और वेब सीरीज में अगर बात करें तो मिर्जापुर 2 को बेस्ट वेब सीरीज चुना गया है। और इस जो पंकज त्रिपाठी हैं इन्हें डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड दिया गया है। मध्य प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अटल एक्सप्रेसवे। मध्य प्रदेश का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का नाम हो जाएगा अटल एक्सप्रेसवे। दोस्तों केंद्र के द्वारा भारतमाला प्रोजेक्ट में इसे शामिल किया गया है। इस जो एक्सप्रेसवे की लागत है 7,000 करोड़ रुपए है और इसकी कुल लंबाई 404 किलोमीटर है। दोस्तों इसकी लोकेशन चंबल संभाग यानी भिंड मुरैना श्योपुर में है। पहले इसका नाम चंबल एक्सप्रेस भी था लेकिन अब इसका नया नाम अटल एक्सप्रेस भी किया गया है। देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन हाईवे दिल्ली से किस शहर के बीच बनाया जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है चंडीगढ़। चंडीगढ़ और दिल्ली के बीच देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन हाईवे बनाया जाएगा। दोस्तों ये जो हाईवे होगा इसकी लेंथ 250 किलोमीटर होगी। यहाँ पर 19 चार्जिंग स्टेशन आसपास लगाए जाएंगे इस हाईवे के। तो देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन हाईवे दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई 250 किलोमीटर होगी। हाल ही में कल्याण सिंह का निधन हुआ, ये किस राज्य की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं? जिसका सही ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के 2 बार सीएम रहे हैं। 1992 में जो मस्जिद का ढांचा गिराया गया था उस समय ये सीएम थे। बाबरी मस्जिद के ढांचा गिराए जाने के समय मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने
किसने जीता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लॉन्ग जंपर शैली सैह। शैली सैह जो एक लॉन्ग जंपर हैं, इन्होंने अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हाल ही में सिल्वर मेडल जीता है। दोस्तों इन्होंने 6.59 मीटर लंबी छलांग लगाई है। आपको याद रखना है शैली सैह एक लॉन्ग जंपर हैं। अगर बात करें कुछ और इंपोर्टेंट फैक्ट की, तो अमित खत्री ने 10 किलोमीटर रेस वॉक में सिल्वर मेडल जीता है अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर ही। अगर बात करें मिक्स रिले टीम की, तो इसने ब्रॉन्ज मेडल जिताया है जिसमें अमित खत्री और शैली सैह थे। प्रत्येक 2 वर्ष में इसका आयोजन होता है। ये जो अंडर एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, इसका आयोजन 1986 से इसकी शुरुआत की गई थी। एल गणेशन को निम्न में से किस राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया है? तो दोस्तों एल गणेशन को मणिपुर का नया राज्यपाल बनाया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा मणिपुर। दोस्तों पहले यहाँ की जो राज्यपाल थे वह नजमा हेपतुल्ला थे, अब उनकी जगह मणिपुर का राज्यपाल एल गणेशन को बनाया गया है। बात आइए मणिपुर की, तो ये आप देख पा रहे होंगे ये लोकेशन मणिपुर की है। यहाँ पर ऊपर अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है, फिर यहाँ पर नागालैंड आ जाता है, फिर मणिपुर और फिर सबसे लास्ट में मिजोरम होता है। बात करें भारत में इसका विलय, तो 15 अक्टूबर 1949 को मणिपुर का भारत में विलय हुआ था। राजधानी इम्फाल है। गणेशी जो राज्यपाल है वह एल गणेशन है। मुख्यमंत्री एल बीरेन सिंह है। अगर बात करें राज्यसभा की एक और लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं मणिपुर में। यहाँ का जो पक्षी है नोंगीन मणिपुर का राजकीय पक्षी है, वहीं पैगवा यहाँ की मछली है। फूड की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर सुरुई लिली यहाँ का फूल है। तो आपको इतना मणिपुर के बारे में याद रखना है। हाल ही में मालाबार युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है, इसके कौन सी इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों मालाबार युद्ध अभ्यास की शुरुआत आपको बता दें 1992 में की गई थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1992। दोस्तों जो मालाबार युद्ध अभ्यास है वह भारत और यूएसए के बीच सबसे पहले 1992 में शुरू किया गया था। इसके बाद 2007 में यूएस इंडिया के साथ जापान को भी इसमें ऐड किया गया, और अब 2020 में जो 24वां इसका संस्करण हुआ था उसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और यूएसए इन सभी ने मिलकर युद्ध अभ्यास किया था। और इसमें 1900 इसमें जो 2020 में है ऑस्ट्रेलिया को ऐड किया गया था। तो अब ये 4 कंट्री मालाबार युद्ध अभ्यास करती हैं। जैसा कि आपको पता है कि इन 4 कंट्रियों को मिला के क्वाड का ग्रुप का गठन किया गया है, तो ये क्वाड युद्ध अभ्यास भी कहलाना जाने लगा है। तो आपको इतना मालाबार युद्ध अभ्यास के बारे में याद रखना है, इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस हवाई अड्डे हेतु 421 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों जबलपुर। हाल ही में जबलपुर हवाई अड्डे के लिए 421 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। दोस्तों बात आई है जबलपुर की, तो चलिए आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जबलपुर के बारे में बताते हैं। राज्य का पहला नगर निगम जबलपुर को ही बनाया गया था। मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी के नाम से जबलपुर को जाना जाता है। जबलपुर में रूपनाथ में अशोक का एक लघु शिलालेख उपलब्ध है। जबलपुर में ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना की गई है। रानी दुर्गावती जी की समाधि बरेला गांव जबलपुर में ही है। भारत का प्रथम विकलांग पुनर्वास केंद्र की स्थापना जबलपुर में ही की गई थी। जबलपुर को आम जिला घोषित किया गया है। प्रदेश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र भी जबलपुर को ही बनाया गया है। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट जबलपुर में ही स्थित है। एकमात्र रेलवे जोन जो पश्चिम मध्य रेलवे जोन है, यह जबलपुर को ही बनाया गया है मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे जबलपुर के बारे में, आपको याद रखने हैं, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020 दिया गया है? तो यशोधरा मिश्रा और एनएन पिल्लई इन दोनों को हाल ही में साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है। दोस्तों बात आई है साहित्य अकेडमी की, तो आपको बता दें यह साहित्य अकेडमी अवार्ड जो पहला अवार्ड है 1954 में दिया गया था। अब तक कुल 60 लोगों को यह अवार्ड दिया जा चुका है। 2020 में यशोधरा मिश्र, एनएन पिल्लई इन दोनों को साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है। काजंत युद्ध अभ्यास का कौन सा संस्करण हाल ही में शुरू हुआ है? तो काजंत युद्ध अभ्यास का हाल ही में 5वां संस्करण शुरू हुआ है। काजंत भारत और कजाकिस्तान के बीच यह
कराया जाता है। आपको पता है कजाकिस्तान की जो करेंसी वह लेंगे है, यहाँ की जो राजधानी है वह नूर सुल्तान है। तो आपको इतना काजिंद के बारे में याद रखना है। काजिंद भारत और हिंदुस्तान के बीच युद्ध अभ्यास किया जाता है, जिसका 5वां संस्करण हाल ही में शुरू हुआ है। ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश में चलाया गया है? तो दोस्तों ऑपरेशन देवी शक्ति हाल ही में अफगानिस्तान में चलाया गया है। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। यहाँ पर जो अफगानिस्तान में भारतीय फंसे थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बीएसएफ का नया निदेशक हाल ही में किसे बनाया गया है? तो बीएसएफ का नया निदेशक पंकज कुमार को बनाया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पंकज कुमार। ये 1988 आईएएस बैच के अधिकारी हैं। बताइए बीएसएफ की, तो आपको इसके बारे में बता दें, बीएसएफ का फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। इसका मोटो जीवन पर्यंत कर्तव्य है। जो फॉर्मेशन है 1965 में किया गया था। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। जो इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है। तो आपको इतना बीएसएफ के बारे में याद रखना है, और इसके महानिदेशक तो यही पंकज कुमार हाल ही में बने हैं। आईटीबीपी का महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो दोस्तों हाल ही में आईटीबीपी का निदेशक संजय अरोड़ा को बनाया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, संजय अरोड़ा। 1988 आईपीएस बैच के अधिकारी हैं। दोस्तों आईटीबीपी की बात आई है तो आपको इसका फुल फॉर्म बता दें, इसका फुल फॉर्म इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस होता है। इसका जो मोटो है शौर्य है, मोटो का नाम शौर्य है। इसका फॉर्मेशन 24 अक्टूबर 1962 में किया गया था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, और इसके जो प्रमुख बने हैं वह संजय अरोड़ा ही बने हैं। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हुए आईटीबीपी के बारे में, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में मदर टेरेसा की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो दोस्तों 2021 में मदर टेरेसा की हाल ही में 111वीं जयंती मनाई गई है। तो इसका सही ऑप्शन है 111वीं। आपको बता दें मदर टेरेसा का जन्म 1910 में हुआ था। इन्हें नोबल अवार्ड 1979 में दिया गया था, और इनकी 2021 में 111वीं जयंती थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद जरूर रखना है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 29 अगस्त। दोस्तों आपको बता दें यह जो राष्ट्रीय खेल दिवस है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और अब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो भारत का सबसे बड़ा खेल अवार्ड था, उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद अवार्ड किया गया है। दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस की शुरुआत 2012 में की गई थी। हाल ही में कुछ ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिसमें फिट इंडिया अभियान ऐप है, फिट इंडिया ऐप। ये दोनों ऐप खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा इस दिन जारी किए गए हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री ने एक नया नारा दिया है राष्ट्रीय खेल दिवस पर। यह नारा है सब खेलें सब खिलें। ये नारा दिया गया है राष्ट्रीय खेल दिवस पर। दोस्तों आपसे एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, ये इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में। नकुल चोपड़ा को हाल ही में किस संस्था का सीईओ बनाया गया है? तो दोस्तों नकुल चोपड़ा को हाल ही में बीएआरसी का हाल ही में सीईओ बनाया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बीएआरसी। अब ये बीएआरसी होता क्या है, तो आपको बता दें इसका फुल फॉर्म ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया होता है। इसकी जो स्थापना है 2010 में की गई थी, और पुनीत गोयनका इसके चेयरमैन है। हाल ही में सीईओ बनाया गया है नकुल चोपड़ा को। तो इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर, जिसमें हमने बात की 16 से 30 अगस्त 2021 के बीच जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए उसके बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों मैं अकेला बहुत वीडियो एडिट करता हूँ, और बहुत काफ़ी मेहनत लगती है। दोस्तों वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, और मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए डेली कॉन्टेंट लेकर आता रहूँ। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो इस ईमेल आईडी पर एड्रेस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।